उस स्टॉक के ऊपर है जो कि बैन के अंदर है, तो फ्यूचर में तो ले नहीं सकते, कैश में लेना पड़ेगा। और दिसंबर 2022 के हाईस को तोड़ रहा है स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2022 के हाईस के ऊपर स्टॉक निकल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पहले तो बाजार कमजोर है, फिर स्टॉक बैन में है, और फिर स्टॉक की ख्याति इतनी ज्यादा है, बावजूद इसके मैं और राकेश जी खरीदारी की राय दे रहे हैं, और उसकी वजह है कि चार्ट इतना दमदार है। यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक 180-200 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है चार्ट पर। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, 150 पर 150 रुपए पर एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 168 रुपए का, 168 का पहला टारगेट है, और इवेंचुअल टारगेट 175 रुपए का, 175 का। तो 168 और 175, इन दो टारगेट्स के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग में हमारी खरीदारी की राय है। कैश मार्केट में ही इसमें आप ट्रेड करें, में ट्रेड करना है, क्योंकि वायदा कारोबार के बैन में है स्टॉक, बट बड़ा भरोसा आ रहा है राकेश जी कुणाल जी का स्टॉक भी। अनिल जी, हम देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल कैसा भी हो, पिछले दो दिन में हमने देखा है बाजार कमजोर था, उसमें भी ये स्टॉक ऊपर रहा है, उससे पहले भी ये ऊपर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग में सन्नी क्या हो गया सर? आप चाहते क्या है, मतलब आप वाकई में इंडिया बुल्स हाउसिंग पे मेरी राय लेना चाहते हैं, जले पे जोंक छिड़कना चाहते हैं? दोनों में से क्या चाहते हैं? यहाँ पे तो रिकवरी, आपने एक ही सवाल में दोनों काम कर दिए हैं। तो मैं तो एक्चुअली गलती हुआ हूँ इस स्टॉक पे, 220 30 40 पता नहीं मुझे क्या भाव, सब तो मैं ये भूल भी गया कि मैंने किस भाव में। लेकिन दीप, अब मुझे ऐसा लग रहा है जो कुणाल जी राकेश जी कह रहे हैं, वो लोग कई बार कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉस बुक ही नहीं करते, भले कुछ भी हो जाए नहीं बेचेंगे लॉस में जी, उन लोगों की किस्मत खुल सकती है ऐसा लग रहा है इसमें ना। हाँ, क्योंकि उनकी किस्मत खुल सकती है, उनके भाव आ सकते हैं, 200-225 वाले भाव वापस आ सकते हैं। और क्यों आ सकते हैं वो मैं बताता हूँ। मैं तो खैर मेरा एनालिसिस तो गलत हुआ, और उसके बाद 130-135 के आसपास हमने रिकमेंड भी किया था कि लॉस बुक कर लीजिए, कहीं और कमाएंगे जी। क्योंकि जिस चीज पे मैंने भरोसा करके रिकमेंडेशन दी थी वो ये थी कि चेंज ऑफ मैनेजमेंट, और आमतौर पर अब तक मैंने पिछले 2 साल छोड़ दें तो उससे पहले जो मैंने 25 साल के मेरे मार्केट के इतिहास में मैंने जो सीखा है, जनरली कोई भी कमजोर क्वालिटी का मैनेजमेंट, या कमजोर छोड़ भी दो तो बेहतर क्वालिटी का मैनेजमेंट अगर कंपनी में आए, मैनेजमेंट का बदलाव और बेहतर, तो मार्केट 30-40% की प्रीमियम ऐसे ही दे देता है। परफॉर्मेंस आने के पहले ही कि बढ़िया अच्छे हाथों में कंपनी जा रही है, चलेगी। यहां पर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स आए, उसके बावजूद स्टॉक बढ़ने के बजाय उल्टा घट गया, और पहली बार ये समझ में आया कि जरूरी नहीं कि आपको इस तरह के बदलाव होने पर तेजी हो ही हो, गलत भी पड़ सकते हैं। लेकिन अब जिस तरह से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो कंसोलिडेशन का फेज था जिसमें इंडिया बुल्स के रिजल्ट भी काफी खराब आए, बुक्स भी कंसोलिडेट हुई, लेकिन ओवरऑल इन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, अपना मैनेज कर लिया, करा लिया। अब ऐसा लग रहा है कि नया जो मैनेजमेंट या जिस तरह से जो भी इनको चेंजेस होने करने का है, वो होने की तैयारी में दिख रहे हैं, और इस वजह से स्टॉक आपका लगातार ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो मूव बना ना पहली बार, अच्छा बैन में तो ये पहले दिन से रहता है, तो अब ये भूल ही जाओ कि ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, उसको दिमाग ही मतलब, इसको कैश के स्टॉक की तरह देखो। और मुझे लगता है कि जिनके पास है, अगर उन्होंने गलती से लॉस बुक नहीं किया है तो उसको रख लें, मुझे लगता है थोड़े ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। जो बदलाव होते दिख रहे हैं ना, वो बदलाव कन्विंसिंग है और बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, तो आई थिंक लोगों का पैसा बन जाएगा थोड़ा इसमें इस बार थोड़ा लग मेरी राय खरीदारी की नहीं है, इसलिए नहीं कि मैं कोई कुणाल जी राकेश जी की राय ठीक नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। मेरे ख्याल से 2-4 दिन पहले बागली साहब ने भी रिकमेंड किया था, मैं उनकी राय से एकदम सहमत हूँ, लेकिन मैं इसलिए देता जिस स्टॉक पे मैं गलत पड़ता हूँ फिर मैं बाद में उसमें ज्यादा ट्राई नहीं करता, जिसमें मैं सही पड़ता हूँ उसमें ज्यादा ट्राई करता हूँ अगर मुझे, लेकिन जहाँ गलत हो तो फिर मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो फिर क्या अभी मैं बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे अच्छा एक बार पहले फंसाया अब फिर से फंसाओगे। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना डिसीजन खुले ले। लेकिन जो कुणाल जी राकेश जी ने चूंकि जिक्र किया है, तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इस बार का मूव काफी कन्विंसिंग है, कुछ मजबूत और कुछ बड़ा होने की तैयारी में दिख रहा है। ओके, तो इस बार का मूव कन्विंसिंग है और यहाँ पर आपको अच्छी मूव आ सकती है।